हेलो दोस्तों, पीजी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम निर्मल साध है। आज हम सीखेंगे कि आप फेसबुक में नया अकाउंट या नया खाता कैसे खोल सकते हैं। तो फेसबुक में नया खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे एक सर्च इंजन बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको FB टाइप करना है। FB लिख के आपको इंटर बटन दबाना है। देखिए, ये फेसबुक की एक साइट खुल चुकी है और यहाँ पे देखिए, ये जो है इसमें फेसबुक लॉग इन एंड साइन इन, फेसबुक लॉग इन एंड साइन इन आपको दिख चुका है। इसी पे आपको इंटर करना है। जैसे आप इस पे इंटर करेंगे तो फेसबुक की एक नई साइट खुल जाएगी, जिस पे अगर देखिए ये जो है, ये जो पॉइंट है, देखिए अगर आपकी जीमेल बनी हुई है तो आप इस पे फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल कर इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपकी जीमेल नहीं बनी तो आपको इस यहाँ पे आना होगा। क्रिएट एन अकाउंट के नीचे देखिए फर्स्ट नेम सर नेम भी आपको मिलेगा ऑप्शन, आपको इधर आना होगा। तो जिस नाम से आपको जीमेल जिस नाम से आपको फेसबुक अकाउंट बनाना है तो वही नाम आपको टाइप करना होगा। जैसे कि मैं मोहन नाम से बनाना चाहता हूँ फेसबुक अकाउंट, मोहन शर्मा, तो मैंने वही टाइप कर दिया है उसे। और फ़ोन नंबर भी आपको जो आपके पास इस समय मौजूद है वही आपको फ़ोन नंबर डालना है, क्योंकि इस पर एक OTP आएगा। और बिल्कुल यही कॉपी आपको, यही जो है बिल्कुल आपको इधर बिल्कुल जो आपने फ़ोन नंबर और ईमेल जो डाला है बिल्कुल नीचे डालना पड़ेगा, और आपको एक पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा। और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा क्योंकि ये सब मांगता है। और मेल फीमेल आपको डालना पड़ेगा। जब आप सब कुछ भर लेंगे तो आपको एक क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं तो वुड यू लाइक टू स्टोर, यस आपको स्टोर करना पड़ेगा। और देखिए इसने कह दिया है कि आपका जो जीमेल जो है वो बन चुका है। अब इसने ये बताया है कि आपको अब अपडेट एंड कंफर्म करना पड़ेगा, और चेंज ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। यदि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज नहीं करना तो आप कैंसिल पे बटन दबा सकते हैं, ये इसको काट सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अगर आपको चेंज नहीं करना तो आप कोई और नहीं। देखिए आपकी ये फेसबुक आईडी बन चुकी है। अगर आपको कोई वॉलपेपर लगाना है तो आप इस पे जाकर वॉलपेपर लगा सकते हैं। ये आपकी पूरी जीमेल बन चुकी है मोहन शर्मा नाम से। आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक फोटो अपलोड करने जा रहा हूँ।
और देखिए ये अपलोड हो रही है और ये फ़ोटो आप लगा सकते हैं, कोई भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल जो है। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और इसको आप और भी अच्छा बना सकते हैं। इधर में फ़ोटो लगानी है और ये फ़ोटो देखिए अब सेव हो रही है और देखिए फ़ोटो सेव हो चुकी है। अब आपके ये फेसबुक के प्रोफाइल पे ये फ़ोटो देखिए कि देखिए। और अब फेसबुक अकाउंट तो हमने बना लिया, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट कैसे, अगर आपको कोई नया फ्रेंड या आपके कोई फ्रेंड फेसबुक अकाउंट में मौजूद है तो आप यहाँ पे उस पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कवर फ़ोटो लगानी है तो आप ऐड कवर फ़ोटो पे जा सकते हैं। और यदि आपको जैसे आपको किसी से चैट करना है तो आप यहाँ पे चैट का देखिए एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर आप चैट कर सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में कुछ लिखना है या अपने बारे में कुछ बताना है, देखिए आप अपने बारे में जैसे ऐड आवर प्लेस, ऐड आ स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऐड योर चैनल सिटी, ऐड योर होम टाउन, तो आप ये सब चीज़ें बताकर अपने बारे में फेसबुक को दे सकते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं। और ये फ्रेंड पे बताता है कि ये फ्रेंडशिप पे बताता है कि कितना फ्रेंड आपके हैं। अगर फ़ोटो डालनी है तो यहाँ से डाल सकते हैं और कवर फ़ोटो यहाँ से डाल सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। तो अगर एक चीज़ और है कि अगर आपको अपना आपने फेसबुक बना लिया, उसे चालू करना सीख लिया, तो अब आप लॉग आउट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो आपको इधर आना पड़ेगा तो इस बटन पे आपको दबाना होगा, उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा और आप लॉग आउट कर सकते हैं। देखिए ये बटन हमने दबाया और उसके बाद देखिए क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट ग्रुप, क्रिएट एडवर्ट्स और इधर देखिए ये लॉग आउट का ऑप्शन आ गया और यह सेटिंग का ऑप्शन, आप सेटिंग भी कर सकते हैं। जब आप लॉग आउट पर वो इंटर कर देंगे तो ये आपकी जो फेसबुक आईडी है वो बंद हो जाएगी। फाइंड फ्रेंड्स पे अगर आप जाना चाहें तो फाइंड फ्रेंड्स पे जा सकते हैं, अपने फ्रेंडों को ढूंढ सकते हैं। और होम पे जाना चाहें तो आप होम पे जा सकते हैं और नोटिफिकेशन का ऑप्शन ये है। तो चलिए हम लॉग आउट करते हैं, ये लॉग आउट का ऑप्शन आ गया है और इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। तो देखिए लॉग आउट करने के बाद सीधा आप ये ऑप्शन आ चुका है कि हाँ आप देखिए अगर आपको खोलना है तो आप यहाँ पे अपना जीमेल, ईमेल और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं और आपकी जीमेल कुछ सेकंड में खुल जाएगी। देखिए हमारी जीमेल खुल चुकी है मोहन नाम से, जो हमने जीमेल बनाई थी अभी थोड़ी देर बाद। तो इस तरह हमने सीखा कि आप अपने फेसबुक में नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उस पर फ़ोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो। और मैं बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।